हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने फ्रैक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शन में हमने प्लस और माइनस देखा था, कैसे एलसीएम निकालते हैं, फ्रैक्शन में अंश क्या होता है, हर क्या होता है। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। हम बात करेंगे फ्रैक्शन में डिवाइड की और मल्टीप्लिकेशन की। हम फ्रैक्शन के अगर हमें दो फ्रैक्शन दो भिन्न दी होती है तो हम उनका आपस में गुणा कैसे करते हैं, दोनों का भाग कैसे देते हैं। उसके बाद हम आपको बॉडी मास रूल पढ़ाएंगे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद सरलीकरण वाले जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं वो कराएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अगर हमें कोई दो भिन्न दी हुई है, मान लीजिए एक हमें दिया है 3/10 और एक हमें दिया है 4/5। अगर हमें इस तरीके की कोई भी भिन्न आपस में दी हुई है, अब हमें इनका गुणा करना है तो हम इनका गुणा कैसे करते हैं। जो ऊपर वाले होते हैं अंश, हम इनको जोड़ इनका आपस में गुणा करके अंश में लिख देते हैं, मतलब 4 × 12। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, हर का पार्ट होता है, इस हर के पार्ट को आपस में गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, कितना आया 50। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड 2 से कट जाएगा, 2 × 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। तो हमारा आंसर कितना आ गया 6/25। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का लगा दिया था निशान। वैसे जनरली ऑफ या का भी अगर कहीं लिखा होता है तो उसका मतलब होता है हमें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। अब चलिए मैं एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे कोई संख्या दी है 4/3 और एक संख्या में दी है 1/3, हमें इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 4, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 × 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4/9। अब चलिए अब हम देख लेते हैं हम डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड में आप देखेंगे जनरली होता क्या है कि जैसे हमें कोई संख्या दी है 1/2 और 1/3, इन दो का हमें आपस में भाग करना है, हमें इन्हें डिवाइड करना है। तो हम करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन में पहले हम क्या करते हैं, इसको 1/2 ऐसे ही लिखो, फिर क्या करते हैं ये वाला जो डिवाइड होता है इसको हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो हमारी भिन्न है 1/3 इसको रिवर्स करके लिख देते हैं। मतलब 1/3 है तो हम इसको क्या लिख देंगे 3/1। तो इसमें हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3/2। तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, हमें मान लीजिए दो भिन्न दी हुई है, 1/2 का भाग देना हमें 1/3 में, 1/2 को ऐसा ही लिख लेते हैं, ऐसे हम भाग नहीं दे सकते, हमें इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। भिन्न को ऐसे डायरेक्ट भाग नहीं दिया जा सकता, हमें इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 1/2 ऐसे ही लिख लिया, डिवाइड को कर दिया मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, और ये वाली जो भिन्न है जिसमें भाग देना, इसको क्या किया रिवर्स कर दिया, 1/3 का इसको 3/1 कर दिया। तो 3/1 किया कितना आ गया 1 × 3 = 3, 2 × 1 = 2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें एक एग्जांपल दिया 4/5
में भाग देना है हमें 2/5 का। क्या करेंगे इसको एज इट इज लिख देंगे, कितना आया 4/5। इसको डिवाइड को हमने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते ही ये वाली जो भिन्न है, ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये रिवर्स हो जाएगा। अगर 2/5 है तो ये 5/2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 5/2। अब या तो पूरा कैलकुलेट आंसर निकाल के आपस में काट दीजिए, या सबसे सही तरीका यहीं से 5 से 5 कैंसिल, 2 × 4 आंसर कितना आ गया हमारा 2। एक आपने एग्जाम में ऐसे भी लिख के देखा होगा 1/3, 1/2। आपने इस तरीके से भी लिख के लिखा हुआ देखा होगा पेपर में। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है और ये फोर्थ पोजीशन है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन का और सेकंड और थर्ड का, सेकंड और थर्ड का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कितना आ गया 2 और ये 3, आंसर हमारा आ गया 2/3। या हम ऐसे भी कर सकते हैं। फ्रेंड आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह सब करने की जरूरत नहीं है, आप यूज्ड टू हो जाएंगे इन चीजों के। या फिर हम क्या करते हैं, ये जो 1/3 है ऊपर वाला हिस्सा, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। और मैंने अभी आपको बताया भिन्न में हम डायरेक्ट भाग नहीं देते हैं, गुणा करते हैं। जब हम ये वाला कर रहे थे फर्स्ट और फोर्थ वाला, सेकंड और थर्ड वाला, तब भी तो हम गुणा ही कर रहे थे, तो हम इसमें क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 1/3 और 1/2, तो क्या किया 1/3 एज इट इज लिख दिया मल्टीप्लाई, और 1/2 को रिवर्स कर दिया, कितना आ गया 2। तो आंसर कितना आ गया हमारा 2/3। ऐसे ही हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया 2/3 और 3/2, हमें आपस में मल्टीप्लाई करना। हम क्या करेंगे 2/3 कर लीजिए, मल्टीप्लाई लगाइए, इसको उल्टा करके लिख दीजिए 2/3, 3/2 है तो इसका कितना आ गया 2/3, तो हमारा कितना आ गया 4/9 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में या तो डायरेक्ट मिलते हैं, या जो हमारे सरलीकरण वाले क्वेश्चंस आते हैं इक्वेशन वाले, उसमें इसी टाइप से दिए होते हैं, बस एक इक्वेशन बना देते हैं वो। अब जैसे आपने कोई क्वेश्चन ऐसा भी देखा होगा एग्जाम में, 1 + 1 + 1/2 + 1 + 1/2, ऐसे करके आपने काफी क्वेश्चन देखे होंगे। तो इन क्वेश्चंस को देख के डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिंपल सॉल्व कीजिए, ऊपर ऐसे ही लिख दीजिए। या फिर एक काम कर सकते हैं आप, एक एक पार्ट को सॉल्व कीजिए। जैसे 1 + 1/2 है, 1 + 1/2, इसको हमने आपको पहले भी लूप को ऐड करना बताया, कितना आएगा 3/2, और ये नीचे वाला भी कितना है 1 + 1/2 है, तो ये भी कितना आएगा 3/2। तो मतलब हमारा क्या बन गया 3/2 3/2, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कन्वर्ट हो गया 3/2 3/2 में। सिंपल कर लीजिए 3/2 2/3। जैसे ही हमने ये लिखा 3 से 3 कैंसिल, कितना आया हमारा यहाँ पे 1। बस इस वाले पार्ट की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1, एक यहाँ पे 1 है तो 1 और 1 2, तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस इजी होते हैं, अगर आपको ऐसे लंबा सा लिख के दे दें तो उनको डरने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व कीजिए। इसके बाद मैं आपको वर्ड अमाउंट रूल बताऊंगी, उसमें सब बताएंगे पहले क्या चीज सॉल्व करनी है, छोटा ब्रैकेट आपने सुना होगा, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, तो इस तरीके वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वर्ड अमाउंट रूल
ओके। और उसमें फिर मैं आपको पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट रहें। हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।